अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग सब कैसे हैं? आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। और रजब का महीना शुरू हो गया है और मैं और मेरे शौहर जो है ना रोज़ा रखते हैं, तो मैं सहरी बनाने के लिए उठी हूँ अभी। और लाहौर में तो बहुत सर्दी है, तो हमने सोचा चलो आपके ना रजब के रोज़े अच्छे गुजरेंगे। तो मैं अभी अभी उठ के ना मुँह पे छीटा मार के अभी आई हूँ सहरी बनाने के लिए। तो चले सारी बनाते हैं। दूध मैंने ना रात में पका लिया था, तो मैंने सोचा दूध की मैं मलाई लगा निकाल लूंगी। देखिए दूध मैंने पका लिया था, दूध की मलाई निकालू ना पराठे से खा लेंगी ये। मलाई मैंने निकाल ली है, अब मैं चाय बनाती हूँ। बस 2 कप ही चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरा हो गया यहाँ पे ना, मैं कैमरा इस साइड पे कर दूँ। 2 कप चाय बनाऊंगी, माचिस डाल दूँ। तो बच्चे भी सो रहे हैं और थोड़ा सा मैंने गुड़ भी डाला, चीनी डाल के ना थोड़ा सा गुड़ भी डाला है, ताकि सर्दी हो रही है ना तो गुड़ की चाय अच्छी होती है। अब बनाते हैं पेड़े। आटा मैं निकाल के लाई हूँ अभी और अब मैं बनाते हैं पेड़े। 2 पराठे बनाने हैं बस। चाय हो गई है रेडी और मैंने यहाँ पेड़े बना लिए, तो 2 पराठों के पेड़े बना लिए मैंने और चाय हो गई रेडी। चाय को मैं उतार के फटाफट पराठे बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पराठे बना रही हूँ, रात के 4 बज रहे हैं और अभी भी गैस बहुत स्लो आ रही है। फ्रिज का आटा है तो पेल पेल के मर रही हूँ मैं, ऊपर से इतनी ठंड हो रही है, जितना पेल लूँ उतनी सुखा रही है पराठा। चलो हमारा पराठा हो गया रेडी, अब मैं डालूंगी तवे पे इसको। मैंने डाल दिया तवे पे, अब जल्दी से दूसरा पराठा कर लूंगी। Thank you.
रमजान भी अच्छे मौसम में आएंगे, ना सर्दी होगी ज्यादा ना गर्मी होगी, इसलिए इंशाल्लाह रोजे रखूंगी मैं। पिछली दफा तो नहीं रख पाई थी आराम, बहुत छोटा था, 2 महीने का था आराम रमजानों में। 19 तारीख को मेरे बेटे की सालगिरह भी है, 19 फरवरी को अरहम की 1 साल का हो जाएगा माशाल्लाह से। वो हो गया मेरा पराठा, व्यूअर्स ये देखें, ये 2 कप चाय बनाई है, 1 मैंने अपनी बनाई है, 1 इनकी बनाई है, 2 पराठे बनाए, ये मलाई है दूध में से उतारी थी मैंने वो, और चीनी डाली इसमें थोड़ी सी, तो ये खाएंगे। चलें अब अंदर जाके खाते हैं, मैं इनको उठाती हूँ और हम लोग खाते हैं, सैरी करते हैं, अजान होने वाली है, 15 से 20 मिनट रह गए। वो ज़ैफ़ा सोया हुआ है, इसके बाबा सोए हुए, तो अरहम यहाँ सोया हुआ बेचारा, इधर उधर पूरे बेड पे हो जाता है ये अरहम ना, तो मैं यहाँ से उठ के गई हूँ ना, तो ये वो रहा होगा कि मेरी मम्मी कहाँ गई, तो देखें बेचारा कैसे लेटा हुआ है। ये मैं इनको उठाती हूँ, उठ जाए। सैरी में अक्सर ऐसे ही होता है, मैं नाश्ता बना के ले आती हूँ और ये उठते नहीं है, उठाए जा रही है, देखिए उठ ही नहीं रहे। सैरी तो ये पूरी बनाती है, इनसे पूछो जरा कमेंट में बताइएगा गाइस, आप लोग अक्सर लेडीज क्या करती हैं, क्या करती हैं, सैरी बनाती हैं और क्या करती हैं, देखिए नखरे करती हैं और कुछ चाय गरम गरम, 2 पराठे इनके लिए, मैं मलाई भी निकाल के लाई हूँ। अब हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके फिर मिलते हैं। गाइस अगर सर्दियों में अगर रोजे आ गए तो लोगों का ये हाल होगा, इनका देखो तो इतनी सर्दी लग रही है, बिस्तर से उठा के और चादर ओढ़ ली है इन्होंने और अब ये नाश्ता करेंगे। आज इन गाइस जिसने रोजा रखना है सही कर ले, कह रहे हैं जिसने रोजा रखना है वो सही कर ले। चले आज की वीडियो मेरी इतनी थी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा और जो है ना लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो मेरी आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके अल्लाह हाफिज़।